गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का ऑफिशियली लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद अपन प्लांट किंगडम की रिवीजन वगैरह करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों के मैं तुमको नोट्स वगैरह भेजूंगा, लेकिन क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना आखिरी क्लास रहेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है एपोमिक्सिस। ठीक है, ध्यान से मतलब लॉजिकली सोचो कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट मिक्स हो रहा है ना? कितने गैमेट मिक्स हो रहे हैं? दो गैमेट्स मिक्स हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसको हम बोलेंगे एम्फीमिक्सिस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोल रहे हैं एम्फीमिक्सिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। सिंपल चीज है एकदम, है ना? दूसरी बात, वो जो एम्फीमिक्सिस है उसमें क्या हो रहा है कि दो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं। वो जो एम्फीमिक्सिस है उसमें दो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, है ना? यहां पर क्या हो रहा है, दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एपोमिक्सिस को, तो इसको हम बोलेंगे ए गैमोस्पर्मी, मतलब स्पर्म्स का गैमो यानी फ्यूजन नहीं हो रहा है। गैमो मतलब कि फ्यूजन स्पर्म्स का नहीं हो रहा है, तो एपोमिक्सिस के लिए हम एक और नाम देंगे ए गैमोस्पर्मी। ठीक है, ये कैसे होगा, मतलब स्पर्म के फ्यूजन के बिना फिर एम्ब्रियो कैसे बनेगा? हाउ विल द एम्ब्रियो फॉर्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट्स? तो दो तरीके हैं इसके, एम्ब्रियो फ्यूज न होते हुए, सॉरी गैमिट्स फ्यूज न होते हुए एम्ब्रियो तैयार हुआ, तो ये दो तरीके से हो सकता है। कौन से दो तरीके? तो पहला तरीका है कि न्यूसेलस के जो सेल्स है ना, सुन लो फिर लिखता हूं मैं, डोंट वरी, पर पहले सुन लो, न्यूसेलस के जो सेल्स है उनका काम क्या है? कुछ केसेस में एम्ब्रियो बन जाने के बाद भी न्यूसेलस डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है, उसको अपन पेरिस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म की तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो ठीक है, वो छोड़ दो। लेकिन ये सब होने के पहले न्यूसेलस का काम क्या है? तो न्यूसेलस का काम है एक सेल को सिलेक्ट करने का, माइक्रोपाइलर एंड वाले, और उस सेल को बोलने का कि भाई तू मेयोसिस कर। उस सेल को अपन बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, है ना? मतलब बेसिकली स्पोर बनाना उसका पर्पज है, हैप्लॉइड सेल। आसान है, टेंशन मत लो, एबीसीडी ई एफ जी एच, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड, है ना? तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, बराबर है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, है ना? तो स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू स्पोर, गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू गैमेट। तो गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन, वो तो गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। स्पोरोफाइट स्पोर कैसे बनाएगा? मियोसिस से। मतलब न्यूसेलस जो स्पोरोफिटिक सेल्स है उनका काम क्या है? उनका काम है मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाने का, बराबर है? हैप्लॉइड सेल्स बनाया उन्होंने, न्यूसेलस ने ईमानदारी से हैप्लॉइड सेल्स बनाए। ठीक है, वो जो हैप्लॉइड सेल्स है ना, वो हैप्लॉइड सेल्स ने क्या किया, वो जो हैप्लॉइड सेल्स न्यूसेलस ने बनाए, द हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड बाय न्यूसेलस, न्यूसेलस नहीं लिखता हूं, बाय एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी भी नहीं लिखता हूं, कोई भरोसा ही नहीं है मेरे को तुम पे, एकदम जीरो भरोसा है तुम पे, क्या गड़बड़ करोगे कुछ बता ही नहीं सकता। मेगास्पोर मदर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कंसीडर कर लोगे, शॉर्ट फॉर्म लिखा तो मेगास्पोर मदर सेल पूरा लिखता हूं, द हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड बाय मेगास्पोर मदर सेल। अब इनका काम क्या है, ये हैप्लॉइड सेल्स का गैमेटोफाइट बनाना काम है ना, इनका एम्ब्रियो सैक बनाना, सेवन सेल एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाने का ये काम है ना इन सेल्स का। ये काम न करते हुए ये हैप्लॉइड सेल्स क्या करते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली
गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, इनका इनका काम क्या है? एम्ब्रियो बनाना थोड़ी काम है, उनका काम है सेवन सेल डेड न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाना। फिर जब मेल गैमेट आएगा तो मेल गैमेट उसमें से एग सेल ओवम सेल के साथ फ्यूज होगा, और फिर ओवम सेल के साथ फ्यूज होने के बाद जायगोट बनेगा। फिर वो जायगोट डेवलप होकर बनाएगा ना एम्ब्रियो। तुमको तुमको थोड़ी बनाना यार एम्ब्रियो, हैप्लॉइड सेल्स, पागल हो गए तुम लोग? पर नहीं, ये हैप्लॉइड सेल्स फालतू की मस्ती आ गई इनमें कि नहीं नहीं हम ही एम्ब्रियो बनाएंगे। इन्होंने ही एम्ब्रियो बना दिया वैसे ही वाला, प्रॉपर जैसा डिप्लॉयड होने के बाद, जायगोट बनने के बाद जैसा बनता है वैसा ही एम्ब्रियो, प्रॉपर एम्ब्रियो। सस्पेंसर सेल्स, अपाइकल सेल, फिर अपाइकल सेल, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, सब कुछ जस्ट लाइक दैट। पूरा का पूरा एम्ब्रियो हैप्लॉइड रहेगा, समझ रहे हो? पागल बनती है ना ये तो, बेवकूफी है ये तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो पागलपंती है, इस पागलपंती के कारण अब जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड रहेगा, मेरे स्पीशीज तो डिप्लॉइड है। तो इस स्पीशीज में ये जो घटना घटी कि न्यूसेलस के सेल्स ने मियोसिस किया और फिर ऐसा एक एम्ब्रियो तैयार हो गया, वैसी घटना फिर से घट ही नहीं सकती। इस एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो जब बड़ा होकर अडल्ट बनेगा तो उस अडल्ट में ऐसी घटना घट ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो न्यूसेलस के सेल्स रहेंगे वो ऑलरेडी हैप्लॉइड रहेंगे, तो वो मियोसिस ही नहीं कर पाएंगे। पूरी कहानी की शुरुआत तो न्यूसेलस के सेल्स ने, एमएमसी के सेल्स ने, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करने के प्रोसेस से ही शुरू हुई ना, पूरी प्रोसेस। इसमें मियोसिस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा एम्ब्रियो हैप्लॉइड रहेगा। तो वो एम्ब्रियो जब अडल्ट बनेगा तो वो अपनी जिंदगी जिएगा और अपनी जिंदगी जी के मर जाएगा। वो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, क्योंकि एमएमसी का काम है मियोसिस करना। उसका एमएमसी हैप्लॉइड रहेगा तो वो मियोसिस कर ही नहीं पाएगा, पूरा सिग्नलिंग ही गड़बड़ हो जाएगा। उसको इतनी अक्कल नहीं रहेगी कि माइटोसिस करके अपन बना लेते ना स्पोर, और फिर वो स्पोर डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में सेवन सेल। ऐसा नहीं समझता, उनके पास अक्कल नहीं है ना, प्लांट्स के पास दिमाग नहीं है उनके पास, है ना? वो सीधा क्या करेगा, अब कुछ कर ही नहीं सकते अपन। ये अपना अडल्ट बनेगा, अपनी जिंदगी जिएगा, मर जाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली। हो गया, वो जनरेशन खत्म ही हो गई अगर ऐसा कर दिया किसी ने तो। मतलब किसी प्लांट ने अगर ऐसा किया कि हैप्लॉइड सेल्स बनाए, और हैप्लॉइड सेल्स को का काम है एक्चुअली एम्ब्रियो सैक बनाना, मेल वाले पार्ट में काम है पोलन ग्रेन बनाना, और फीमेल वाले में काम है सेवन सेल एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाना। वो न करते हुए फीमेल पार्ट में सीधा उसने एम्ब्रियो ही बना दिया, ऐसा अगोपंती अगर किया उसने, तो ये एम्ब्रियो बड़ा होके जब अडल्ट बनेगा तो वो अडल्ट उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो अडल्ट उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अडल्ट फिर से ऐसा सब कुछ नहीं कर पाएगा। नॉट पॉसिबल, एक ही बार हो सकता है ये एक प्लांट के जिंदगी में। मतलब ये मदर प्लांट फिर से कर सकता है वो हरकत अगले सीजन में फिर से, पर उससे जो ये जो एम्ब्रियो बनेगा, ये एम्ब्रियो फिर से, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज फिर से नहीं हो सकती। ये बात तो तुमको पट रही है, ठीक है? रिकर नहीं हो सकता है, बार 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 नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, ऐसा हम इसको बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड है ना गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो इसको अपन एपोगैमी भी बोलेंगे। इसको अपन एपोगैमी भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा किस प्लांट में पाया जाता है नॉन रिकरेंट एपोस्पर्मी? तो एग्जांपल है निकोटियाना, निकोटियाना टबैकम, पता है अपने को, ठीक है? दूसरा तरीका है एगेमोस्पर्मी का, एपोमिक्सिस का,
दैट इज रिकरेंट, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में फिर से वैसी कंडीशन फिर से आ सकती है। तो वैसा कब पॉसिबल होगा? जब नेक्स्ट जनरेशन भी डिप्लॉयड हो। पर नेक्स्ट जनरेशन भी डिप्लॉयड कैसे रहेगी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो, अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट हुए भी ना हो रहा है तो वो डिप्लॉयड कैसे रहेगा? ये तो ठीक है, इसने अपना मियोसिस किया और फिर हैप्लॉयड सेल ने एम्ब्रियो सैक बनाना छोड़ के बेवकूफ समान एम्ब्रियो बना दिया पूरा। तो अब वो एम्ब्रियो जब एडल्ट बनाएगा तो वो ये प्रोसेस रिपीट नहीं कर पाएगा, पूरा ही गैमेटोफाइट है, वो काय का गैमेटोफाइट बनाएगा, पूरा गड़बड़ी हो गया ना। एंजियोस्पर्म्स आर नॉट सपोज टू बी गैमेटोफिटिक, एंजियोस्पर्म्स की लाइफ स्टाइल जो है वो डिप्लॉन्टिक है। अडल्ट एंजियोस्पर्म्स आर सपोज टू बी डिप्लॉयड, ये क्या हैप्लॉयड अडल्ट बनेगा? तंबाकू का प्लांट, टबैको का प्लांट और उसका हर एक सेल हैप्लॉयड, हाउ इज देन एंजियोस्पर्म सपोज टू बी लाइक दैट? गड़बड़ नहीं हो जाएगी उस एंजियोस्पर्म में? कुछ कर ही नहीं पाएगा वो अडल्ट, ये एम्ब्रियो से जो बनेगा उसमें फिर से गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि पूरी उसका एग्जिस्टेंस ही गड़बड़ है। तो जिंदा ही क्यों है रे भाई, तू आया ही कैसे, तू खुद ही गड़बड़ है, ऐसी बात है ना। वो तो वो फिर से कोई नई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, वो फिर से नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज नहीं हो पाएगी। लेकिन इधर क्या है, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो भी फिर से गड़बड़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय आइदर मेगास्पोर मदर सेल, अब मेगास्पोर मदर सेल तो 2N है, मेगास्पोर मदर सेल तो 2N है, तो इस ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेंशन ही नहीं है, मेल गैमिट वगैरह आने का टेंशन ही नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल को बोला मियोसिस कर, स्पोर तैयार कर, ताकि फिर वो स्पोर जर्मिनेशन करके 7-celled एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये उसको काम दिया है ना मियोसिस करने का, इसने मियोसिस करने का ना जो काम दिया है वो करने का क्या? तो ये मेगास्पोर मदर सेल ने क्या अगाऊ बना किया? मियोसिस नहीं किया, इसने माइटोसिस करके बढ़िया अपना एम्ब्रियो ही बना डाला सीधा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, वो पहले ग्लोबुलर फिर हार्ट शेप फिर हॉर्स शू शेप फिर दो कॉटलीडॉन्स प्लूम्यूल रेडिकल, अब बढ़िया एकदम मस्त एम्ब्रियो बना के रख दिया। पागल वागल है क्या? है पागल, अब क्या कर सकते हो। पर दिक्कत है कि वो जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो पूरा 2N का 2N ही रहेगा ना, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल भी तो 2N था यार, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड, तो उससे बनने वाला जो एम्ब्रियो है वो भी डिप्लॉइड। तो इसने एक बार गड़बड़ किया तो वो जो एम्ब्रियो से जो अडल्ट बनेगा वो फिर से वो गड़बड़ कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसको? नॉर्मल एंजियोस्पर्म समान डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म में क्लोन ही रहेगा वो रादर इसका, है ना, ये वो फिर से नेक्स्ट जनरेशन में भी हो पाएगा, इसलिए ये रिकरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? रिकरेंट है फिर से होने वाला, रीअकर, अकरिंग यानी होना, कोई घटना घटना, रीअकर यानी फिर से होना, सिंपल है एकदम। तो मेगास्पोर मदर सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी, मेगास्पोर मदर सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी, ठीक है। और एम्ब्रियो जो है वो एनी सेल अदर देन मेगास्पोर मदर सेल। देखो मेरे को कितना डर है तुम लोगों का, कितना डरता हूं मैं तुम लोगों से, एमएमसी एक भी बार लिख नहीं रहा हूं मैं, हिम्मत ही नहीं हो रही है, कोई भरोसा ही नहीं है मेरे को किसी पे। मेगास्पोर मदर सेल मतलब एनी सेल, यानी ऐसे नहीं कि लीफ का या रूट का या स्टेम का, ऐसा नहीं, फ्रॉम एनी न्यूसेलर सेल, न्यूसेलस का सेल ऑब्वियसली, न्यूसेलस का या ज्यादा से ज्यादा इंटेग्यूमेंट का, आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट वाला, बाकी एकदम वैसा लीफ रूट शूट वगैरह तक मत पहुंच जाओ, उसका ही ओवरी का ही ओव्यूल का ही हिस्सा। बट मेगास्पोर मदर सेल के अलावा कोई दूसरा सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाता है वो भी ऑफकोर्स ऑब्वियसली 2N रहेगा यार, है ना। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस थोड़ी किया है, इसने मियोसिस करने के बाद हैप्लॉयड सेल तैयार होगा, तब तक तो सब कुछ डिप्लॉयड रहेगा, इसने तो मियोसिस किया ही नहीं है। इसके आजू बाजू के जो बाकी न्यूसेलर सेल्स है वो या फिर इंटेग्यूमेंट के सेल्स वगैरह, उन्होंने ऐसा अगाऊपना अगर किया
सीधा एम्ब्रियो बना दिया ताव ताव में आकर, तो उसको बोलते हैं एपोस्पोरी, उसको हम बोलेंगे एपोस्पोरी। ठीक है, ये टॉपिक मैं हर साल पढ़ाता हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, पर ये टॉपिक एनसीईआरटी के अति बाहर का है। ये टॉपिक मेरे को स्टेट बोर्ड में दिखा है, लेकिन इस साल, पिछले साल तक स्टेट बोर्ड में भी नहीं था, इस साल स्टेट बोर्ड में उन्होंने ऐड किया है। स्टेट बोर्ड ने डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी का डिफरेंस नहीं बताया, बस रिकरेंट एगेमोस्पोरमी को डिप्लोस्पोरी बोल दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा और तुमको एडिशनल, उसके भी एडिशनल बता रहा हूँ कि मेगास्पोर मदर सेल से अगर बनता है तो डिप्लोस्पोरी, और दूसरे किसी डिप्लोइड सेल से बनता है तो एपोस्पोरी। एकदम आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल जो है वो मैं पूरे स्टेट बोर्ड के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं। फालतू के इधर उधर के एग्जाम्पल्स याद रखने से अच्छा है कि अपने स्टेट बोर्ड वाले याद रखते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई बुक है अल्टीमेटली, तो वो अपने को ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है टेरेक्सेकम। ये कौन है मेरे को नहीं पता, होगा कोई तो भी कॉमन ही पेड़, पर ये साइंटिफिक नेम है इसलिए मेरे को नहीं पता ये कौन है। मैंने पहली बार ही सुना इसका नाम टेरेक्सेकम। ठीक है, स्टेट बोर्ड का दिया हुआ है तो अपन यही एग्जाम्पल याद रखेंगे इसका। ठीक है, एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एपोमिक्सिस मतलब एम्फीमिक्सिस, पहले एम्फीमिक्सिस पे आते हैं। एम्फी मतलब दो, एम्फीबियन है ना, एम्फीस्टोमेटल, एम्फी मतलब दो, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, तो दो चीजों का मिक्स होके अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्फीमिक्सिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें तो अपने को कोई इशू नहीं है। एपोमिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के गैमिट बनना, सॉरी विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनना, पगले हो क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो कैसे बन सकता है, सिंपल सी चीज है कि मेगास्पोर मदर सेल को बोला कि तू मियोसिस कर, हैप्लॉइड सेल बना, उसने अगोपना किया, हैप्लॉइड सेल बनाया इसने, सीधा खुद ही एम्ब्रियोज बना दिया, फालतू का अगोपना, पर अब बना दिया तो बना दिया, डिप्लॉइड एम्ब्रियो तो तैयार हो गया, और वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो जब बड़ा अडल्ट बनेगा तो वो फिर से वैसा अगोपना कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी पावर है। नॉर्मल एंजियोस्पर्म समान एंजियोस्पर्म है, अपने पेरेंट एंजियोस्पर्म का क्लोन है वो, वैसा का वैसा डिप्लॉइड सेल बना हुआ है, तो वो भी वैसा अगोपना कर सकता है, रिकर हो सकता है वो इंसिडेंट फिर से उसके लाइफ में, उसके जनरेशन में, तो इसको बोलेंगे रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, है ना। मेगास्पोर मदर सेल ने अगर बनाया तो डिप्लोस्पोरी बोलेंगे, बाकी दूसरे किसी न्यूसेलर सेल ने बनाया, फिर इंटेग्यूमेंट के वगैरह सेल ने एम्ब्रियो बनाया तो उसको एपोस्पोरी बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो एम्ब्रियो रहेगा उसका क्लोन ही, एम्ब्रियो रहेगा डिप्लॉइड ही, तो वो फिर से अडल्ट बनने के बाद ऐसी सेम हरकत, अपने पेरेंट ने जो हरकत की वो सेम हरकत रिपीट कर सकता है। दूसरा, मेगास्पोर मदर सेल ने तो अपना काम ईमानदारी से किया, हैप्लॉइड सेल बनाए, लेकिन उन हैप्लॉइड सेल्स का काम था अभी जर्मिनेट होकर माइटोसिस करके सेवन सेल डेड न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन अब उन हैप्लॉइड सेल्स ने अगर आगाऊ बना किया और उन्होंने एम्ब्रियो बना दिया तो वो एम्ब्रियो लेकिन रहेगा हैप्लॉइड, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने पेरेंट की तरह बिहेव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो पावर ही नहीं रहेगी, वो अजीब कुछ तो भी रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस ही अजीब रहेगा, हैप्लॉइड एंजियोस्पर्म कुछ भी नॉट पॉसिबल, मतलब जी तो लेगा वो, अपनी जिंदगी तो निकाल लेगा। सेल डिवीजन के चैप्टर में मैं बोलता ही हूँ हमेशा कि अपने को डिप्लॉइड रहना कंपलसरी नहीं है, अपन हैप्लॉइड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पे ईच एंड एवरी प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन है। अपन डिप्लॉइड क्यों है, क्योंकि डिप्लॉइड कंडीशन में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, अलग अलग अलील्स आ सकते हैं सेम जीन के, तो अपने पास ज्यादा ट्रेट्स रह सकते हैं, है ना, डोमिनेंट रिसेसिव वाले फंडे के कारण, इसलिए अपन डिप्लॉयड है। बाकी अपन हैप्लॉयड करके भी सरवाइव कर ही सकते, तो वो भी सरवाइव तो कर ही लेता है, लेकिन अब वो फिर से वो हरकत नहीं कर सकता, वो मैकेनिज्म ही नहीं है एंजियोस्पर्म्स के पास हैप्लॉयड बन के जीने का रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपना बूढ़ा होगा निकोटियाना का पौधा और मर जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज है एकदम। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है निकोटियाना फॉर नॉन रिकरेंट एंड टेरेक्सेकम फॉर रिकरेंट, ये दोनों भी स्टेट बोर्ड से मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।
ठीक है, निकोटियाना तो अपने को पता है, टेरेक्सेकम मेरे को भी नहीं पता। नॉन रिकरेंट का एक और बता देता हूँ तुमको, बनाना, क्योंकि बनाना फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि वो पूरा पार्थेनोजेनेटिकली ग्रो होता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो ये इसमें पाया जाता है नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, ठीक है। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, इसके अलावा टेरेक्सेकम, मतलब टेरेक्सेकम तो कौन है मेरे को पता नहीं, हो तो मैंने स्टेट बोर्ड में देखा और उस स्टेट बोर्ड की चीज़ है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी वो एप्पल, एप्पल में मिलता है तो पियर में तो मिलेगा ही, क्योंकि एप्पल और पियर भाई भाई है। और अपना एलियम सेपा, दैट इज अनियन, इनमें भी मिलता है, ठीक है। पर मेन अपने लिए ये रहेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा रिकरेंट एगेमोस्पर्मी और नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के अलावा एक और तीसरी चीज भी है जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो तैयार हो सकता है। नो नो, व्हाट यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग। तुम लोग पार्थेनोकार्पी सोच रहे हो, पार्थेनोकार्पी तो एकदम ही नहीं है, पार्थेनोकार्पी तो फालतू चीज है। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, सीडलेस फ्रूट है वो, ठीक है। वो उसके सीडलेस फ्रूट वाले कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर टेंशन मत लो उसका, ठीक है। पार्थेनोकार्पी अलग चीज है। पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा है कि ओवरी तो फ्रूट बन जा रही है लेकिन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट इच नहीं हो रहा है। वो तो सबसे वर्स्ट चीज है प्लांट के हिसाब से, क्योंकि ओवरी को फ्रूट में बनाने का इवोल्यूशन किया ही क्यों एंजियोस्पर्म्स ने, कि उस फ्रूट को खाने के लालच में एनिमल्स उस फ्रूट को खाएंगे, सीड को जमीन में फेंकेंगे और सीड से नई जनरेशन आएगी। फ्रूट तो सिर्फ एक लालच है ना, जैसे पेटल्स एंड सेपल्स लालच है इंसेक्ट्स के लिए पॉलिनेशन करवाने के लिए, वैसे फ्रूट एक लालच है ना एनिमल्स के थ्रू सीड को इधर उधर फिकवाने के लिए। तो पार्थेनोकार्पी में तो फ्रूट बन जा रहा है तो एनिमल्स उसको खा रहे, लेकिन उसके अंदर सीड ही नहीं है, तो पेड़ को तो कुछ नुकसान, फायदा ही नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। पार्थेनोकार्पी में तो रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। हाँ, तीसरी तीन जो चीज जो तुम पार्थेनोकार्पी सोच रहे हो पूरे तरीके से गलत सोच रहे हो। पार्थेनोकार्पी नहीं है तीसरी चीज, तीसरी चीज है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल और ये हैप्लॉइड सेल की तरह मैंने भी अगोपना करके इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना चाहिए था, इसको थोड़ा बीच में रखना चाहिए था, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाना चाहिए था, मैंने वैसा किया नहीं, मैंने किया अगोपना। तो मेरे को भी यहाँ पर लिखने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस लिख देता हूँ, एक्सप्लेन बाजू वाले पेज पे करता हूँ। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ये तीसरा प्रकार है, तुम लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। फ्लो चार्ट में तुमको एक्सप्लेन करता हूँ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एडवांस करना यानी अटैक करना, ये मैंने तुमको कहां पर बताया था, टपेटम के टाइप्स बताए थे मैंने, इन्वेजिव, इन्वेजिव टपेटम एक बताया था, याद है, इन्वेड करना। तो एडवेंटिव यानी भी वही हो गया, अटैक करना, एडवांस करना, द आर्मी एडवांस्ड ऑन द अपोजिट आर्मी, ऐसा, ठीक है, इन्वेड करना, अटैक करना। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि न्यूसेलस की जो सेल्स से है बाकी के अदर देन मेगास्पोर मदर सेल, उनका दिमाग होता है खराब, क्या रे मेगास्पोर मदर सेल को क्या इज्जत मिल रही है, उसने मियोसिस किया, हैप्लॉइड सेल्स बनाए, ये सब नीट वाले बच्चे सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल के बारे में ही पढ़ते हैं, हमको तो कुछ इज्जत ही नहीं है, हम लोग क्या टाइम पास के लिए है क्या, हम भी तो उसके ही समान है, हम क्या, हम उससे इक्वल ही, इक्वल ही तो है, हम क्या कम है क्या उससे, ये वो न्यूसेलस सेल्स में पूरा एकदम झगड़ा होने लगता है, दिमाग खराब हो जाता है न्यूसेलस सेल्स का, कि ये हमारा तो कुछ नाम भी नहीं लेते हैं नीट वाले स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये ऐसा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल और एग एपरेटस, आजू बाजू में तो न्यूसेलर सेल्स है ना, पर अपन इनका नाम ही नहीं लेते। एक बार एम्ब्रियो सैक बन गया कि भाड़ में जाए न्यूसेलर सेल्स, अपने को क्या करना है, एक ही बार नाम आता है कि इन सम स्पीशीज लाइक ब्लैक पेपर, याद है ना एनसीआरटी, इन सम स्पीशीज लाइक ब्लैक पेपर सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस स्टिल परसिस्ट विच इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म, बस इतनी इज्जत एक लाइन में, और इसके बारे में पूरा भाषण कि एंटीपोडल सेल्स ऐसे रहते हैं या ऐसे रहते हैं, इनके ऊपर सेल वॉल रहती नहीं रहती, और सिनर्जिड सेल्स के ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस रहता, इसको पूरी इज्जत। अरे ये जो हैप्लॉइड सेल जिस सेल से बने हैं वो भी तो न्यूसेलस का ही एक सेल था ना, मेगास्पोर मदर सेल, उसको बस ड्यूटी दिया सब लोगों ने मिलकर,
कि भाई तू ये काम कर अच्छे से। उसने किया अच्छे से काम, पर बाकी सेल्स को तो कुछ नाम ही नहीं आ रहा है। बाकी सेल्स का ईगो हुआ खराब कि हम हमारा भी डीएनए जाना है। वैसे डीएनए सबका सेम ही है, सब एक ही ऑर्गेनिज्म के सेल है, पर हमारा भी नाम होना चाहिए। हमसे भी अगली जनरेशन आनी चाहिए, अगली जनरेशन के फॉर्मेशन में हमारा भी कुछ रोल होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है आजू बाजू वाले सेल्स का, हमको कुछ बोलते ही नहीं, हमारा कुछ आता ही नहीं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसते हैं। ये आजू बाजू के सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसते हैं, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करके इसको फोड़ेंगे। ये सेल्स इसके अंदर घुसेंगी और अंदर घुस के बोलते हैं कि हम भी एम्ब्रियो बना रहे हैं, हमको नहीं पता। हम भी एम्ब्रियो बना रहे हैं, हमको नहीं पता। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एग जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर उसने जो जायगोट बनाया, वो जायगोट तो एम्ब्रियो बनाएगा ही। ये आजू बाजू वाले जो सेल्स है, ये जो घुसेंगे अंदर हमको भी एम्ब्रियो बनाने का है करके, तो वो भी एम्ब्रियो बनाने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एग से जो एम्ब्रियो बनेगा वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन इनसे जो एम्ब्रियो बनेंगे वो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट रहेंगे। दूसरी बात, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये जब घुसेंगे अंदर आजू बाजू के न्यूसेलर सेल्स तब इसका फर्टिलाइजेशन हो चुका रहेगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। हो सकता है पोलन ग्रेन आया ही ना हो और इन्होंने पहले ही घुसना चालू कर दिया हो। तो उस केस में तो ये वाला जो ओव्यूल, मतलब ये वाली जो सीड रहेगी, उस सीड में जो एम्ब्रियो रहेगा वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ ही रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एम्ब्रियो तो रहेगा ही नहीं उस केस में। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? कि ये सेल्स तो अंदर घुस के अपना एम्ब्रियो बनाने लग गए, वो तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस सेल जिसका एक्चुअल में काम था एम्ब्रियो बनाने का, एग सेल, ओवम, उसका क्या हुआ? तो हो सकता है वो फर्टिलाइज्ड हो गया हो और वो भी अपना एम्ब्रियो बना रहा हो, या हो सकता है वो फर्टिलाइज हुआ ही ना हो, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर उस केस में सिर्फ इस सीड के अंदर, और सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर सिर्फ अपने वही एसेक्सुअल वाले ही एम्ब्रियो रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना? कुछ भी हो, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को मतलब भी बस इस चीज से कि ये न्यूसेलर सेल्स ने जो एम्ब्रियो बनाया वो तो अल्टीमेटली एसेक्सुअल ही है, उसमें तो कुछ दो ऑर्गेनिजम्स का फ्यूजन वगैरह हुआ नहीं है। वही ओरिजिनल जो पेड़ है जिसके अंदर अपन इसका स्टडी कर रहे हैं, बस वही पेड़ के सेल्स एम्ब्रियो बना रहे हैं अंदर घुस के, एडवांस करके, अटैक करके, इन्वेड करके। इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है? तो इसके कारण हो ये रहा है कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही एम्ब्रियो रहना चाहिए, पर इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज आ रहे हैं ना। इसने बनाओ या ना बनाओ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 1 2 3 4 मल्टीपल एम्ब्रियोज इसके अंदर आ रहे हैं एक एम्ब्रियो सैक के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता, एक ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स रह सकते हैं, दैट इज फाइन। जैसे पपाया, जैसे साइट्रस, फाइन, नो नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके, वी आर टोटली कंफर्टेबल विद दैट, टोटली फाइन। व्हाट इज दिस? एक ओव्यूल के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो, ये तो अपन ने कहीं नहीं पढ़ा यार, ये तो अजीब ही कुछ तो भी कंसेप्ट है। ध्यान से, फिर से एक बार, फिर से एक बार, ओवरी है, ओवरी में इधर भी ओव्यूल है, इधर भी ओव्यूल है, इधर भी 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 है। एक ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स है, दैट इज ओके, उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओव्यूल मतलब सीड, एक सीड से एक ही प्लांट निकलता है ना यार, कभी भी। एक फ्रूट से अपने को बहुत सीड्स मिल सकती है, उसमें अपने को इश्यू नहीं है। बात को समझो, अपने को उसमें इशू नहीं है। इशू अपने को किस चीज में है कि एक फ्रूट से तो एक ही से तो अपने को बहुत सारी सीड्स मिल सकती है, पर एक सीड से तो एक ही प्लांट ग्रो होगा ना, क्योंकि तो एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो रहेगा। क्या एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो रहेगा, समझे क्या? नॉर्मली यहां पर क्या हो रहा है, एक सीड के अंदर, इस एक सीड को मैंने जूम किया, इस एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज है। अजीब एक्टिविटी है ये, है ना?
अजीब है ना, मल्टीपल एम्ब्रियोज आ रहे हैं। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को क्या मैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, यस, नो ऑब्जेक्शन विद दैट। अच्छा, क्या मैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा कंसिडर कर सकता हूँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो घुसेंगे अंदर और एम्ब्रियो बनाएंगे ये सेल्स, तो यार क्लोन ही रहेगा ना उनसे। अब ये सीड को जब तुम जमीन में गाड़ोगे तो कौन सा एम्ब्रियो, कोई तो भी एक ही जर्मिनेट होगा, एक सीड से बहुत सारे पेड़ तो उगेंगे नहीं। अब कौन सा जर्मिनेट हुआ? ये वाला अगर फर्टिलाइज हो गया होगा और ये वाला अगर जर्मिनेट हुआ तो फाइन, पर इन्होंने इन्होंने बनाए हुए एम्ब्रियो में से अगर कोई जर्मिनेट हुआ तो वो तो क्लोन रहेगा अपने ओरिजिनल प्लांट का। ओरिजिनल प्लांट का जो डीएनए है वही डीएनए इसमें रहेगा, वही वाला 2n, वही 46 क्रोमोसोम्स। प्लांट्स में 46 क्रोमोसोम्स नहीं रहेंगे, ऐसे ही बोल रहा हूँ नंबर एक रैंडमली, अपना 46 है इसलिए वही नंबर रहेगा, वही सब के सब वैसे के वैसे क्रोमोसोम रहेंगे, वही जीनोटाइप रहेगा उसका, कुछ भी उसमें नया नहीं रहेगा, नथिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रहेगा। तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एग्जांपल है, एगेमोस्पर्मी का भी एग्जांपल है, बिना मेल गैमिट आए एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, बिल्कुल एगेमोस्पर्मी का एग्जांपल तो है ही है। साथ ही साथ ये पॉलीएम्ब्रियोनी का भी एग्जांपल है। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक ही ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोस, ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसे कैसे होगा भाई? तो एक तो एडवेंटिव के कारण होगा, है ना, एक तो एडवेंटिव के कारण होगा, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, एक तो एडवेंटिव के कारण होगा। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था ल्यूवेन हॉक ने, यस यस वही वाला ल्यूवेन हॉक है, डोंट वरी, सेल बायोलॉजी वाला, इन साइट्रस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया साइट्रस, ऑब्वियस। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मैंगो, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है पॉलीएम्ब्रियोनी का। दूसरा रीजन हो सकता है पॉलीएम्ब्रियोनी का, दैट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, ये क्या फंडा है ना यार? अरे बहुत सिंपल है, अपने ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है। जाइगोट तैयार हो गया, जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। अब इसमें एसेक्सुअल का कोई रिलेशन नहीं है, अभी अपन पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ रहे हैं, वो एसेक्सुअली हो या सेक्सुअली हो फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, अभी अपन पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ रहे हैं। तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट का काम क्या है? जाइगोट का काम है माइटोसिस करने का, दो सेल्स बनाने का, एक को बोलने का अपाइकल सेल, एक को बोलने का बेसल सेल। ये सस्पेंसर बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, है ना, ये ऐसे सस्पेंसर बनाएगा, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, सॉरी पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, पता है अपने को, यही जायगोट का काम है ना। ये क्या करेगा? जायगोट दो सेल्स बनाएगा, अभी इन दो सेल्स में से एक को अपाइकल और एक को बेसल की तरह ट्रीट करने का वैसा वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ये अपना अलग एम्ब्रियो बनाएगा, ये अपना अलग एम्ब्रियो बनाएगा, बेवकूफ कहीं के दोनों के दोनों। ऐसा ह्यूमन बींग्स में भी होता है, गलती से होता है, ये सेल सिग्नलिंग में गलती के कारण होता है, ये सेल्स एडहेर नहीं रह पाते एक दूसरे को, चिपके हुए नहीं रह पाते एक दूसरे को, किसी रीजन से अलग हो गए अगर, तो दे बोथ ऑफ देम बिहेव एज अ सेपरेट जाइगोट, तो दो इंडिविजुअल्स बन जाएंगे और वो दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी सेम रहेगी। ऑफ कोर्स यार, एक सेल से माइटोसिस से बने हुए इक्वेशनल डिवीजन, इसका जो डीएनए कंटेंट वो इसका डीएनए कंटेंट, तो डीएनए सेम है तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी सेम रहेगा, तो उसको अपन ह्यूमन बींग्स में जुड़वा बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में अपन इसको प्यार से क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं, और कुछ नहीं, सेम है। तो एम्ब्रियो रहेंगे कि नहीं एक ओव्यूल के अंदर? क्यों? क्योंकि क्लीवेज के वक्त गड़बड़ हुई, क्लीवेज मतलब सेल डिवीजन। अभी
रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा नहीं है, इसलिए क्लीवेज मतलब सेल डिवीजन। और वैसे क्लीवेज मतलब है भी सेल डिवीजन, कुछ गलत नहीं है। सेल फरो फॉर्मेशन वगैरह को अपन क्लीवेज ही तो बोलते हैं। क्लीवेज यानी कुछ भी कट होना, टूटना, क्लीव होना, सिंपल। समझे क्या? इसका एग्जाम्पल है पाइनस। वही अपना पॉइंट। समझे? इजी एकदम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार पूरा तुमको दिखा देता हूँ मैं। ये देख लो, एक गंदा सा मैंने इधर एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक घुसाड़ा है। तुम लोग अच्छे से लिखना, क्या लिखोगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक में? ये न्यू सेलर सेल्स एंटर द एम्ब्रियो सैक एंड गिव राइज टू एम्ब्रियो। ठीक है, द न्यू सेलर सेल्स एंटर द एम्ब्रियो सैक एंड गिव राइज टू एम्ब्रियोज। उनका काम नहीं है वो, लेकिन वो करते हैं। बट इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन पॉली एम्ब्रियोनी, बराबर। और पॉली एम्ब्रियोनी में क्या है? तो एक तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी रहेगा या फिर क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी रहेगा। एग्जाम्पल्स वगैरह अपने को दिख रहे हैं वो, सिंपल, नॉट ए बिग डील एट ऑल। ठीक है, बाकी स्टेट बोर्ड में दिया ही है। स्टेट बोर्ड में के अलावा मैंने बस ये एग्जाम्पल स्टेट बोर्ड के बाहर से बताया है। हाँ, पाइनस का एग्जाम्पल स्टेट बोर्ड में नहीं दिया है, मतलब क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल नहीं दिया है। मैं बता रहा हूँ तुमको, उसका एग्जाम्पल है पाइनस। ठीक है, और ये डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। स्टेट बोर्ड ने सीधा रिकरेंट एगेमिस्पोर में कोई डिप्लोस्पोरी बोल दिया, लेकिन उसमें है छोटा सा डिफरेंस। मेगास्पोर मदर सेल से बना होगा तो डिप्लोस्पोरी, और दूसरे किसी भी, ए फॉर अनदर सेल, ए फॉर एपोस्पोरी, खत्म। ठीक है, एनी सेल अनदर सेल देन मेगास्पोर मदर सेल से अगर बन रहा होगा तो एपोस्पोरी। ये दोनों भी डिप्लॉयड रहेंगे ऑब्वियसली, क्लोन रहेंगे सीधे सीधे। तो उसका क्लोन भी उसके समान, अपने पेरेंट के समान पागलपना करेगा, पागलपन रन्स इन फैमिलीज, तो वो भी वैसे ही करेगा। रिकर होगी वो घटना फिर से, तो रिकरेंट एगेमोस्पर्म में। इसमें तो हैप्लॉइड ही रहेंगे अपने भाई, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? पगला कहीं का बोले, हैप्लॉइड एंजियोस्पर्म हट, कुछ नहीं कर पाएगा। कैसे तो भी अपनी जिंदगी निकालेगा। वैसे भी कौन सा बहुत बड़ा ट्री है, ये भी कौन सा ऐसे बहुत बड़ा ट्री है। छोटे छोटे ही तो रहते हैं, कुछ साल अपना जिएंगे, जितनी लाइफ स्पैन है उतनी मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इट वॉन्ट अकर इन देम अगेन, नॉन रिकरेंट रहेगा, सिंपल। ठीक है, सो दीज आर द वेज ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ही कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा डिबेट हुआ था, बराबर है। तो मैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कंसिडर करने के फेवर में हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोन बन रहा है, खत्म हो गया। वो एगेमोस्पर्मी से बने या राइजोम से बने, कॉर्म से बने, ब्रायोफाइलम के लीफ से बने, क्या फर्क पड़ रहा है? रिप्रोडक्टिव रूट से बने, क्या फर्क पड़ रहा है तो क्लोन ही ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं ना, दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स तो मर्ज हुए नहीं ना, तो क्यों उसको एसेक्सुअल से कुछ अलग एसेक्सुअल का प्रकार वगैरह बोलना है? लेकिन अब वो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है वो, सॉरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में। तो वो छोड़ो, अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अलग ही कंसिडर करेंगे, है ना। बस एक ही चीज रहेगी इसमें कि मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। ज्यादा क्या, मैं घुसूंगा ही नहीं इसके डिटेल में, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के सब प्रकार अपन ने एक्सटेंसिवली अच्छे से मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़े हुए हैं। रूट की अगर बात करोगे तो रिप्रोडक्टिव रूट्स पढ़े अपन ने, टैप रूट के भी और एडवेंटिशियस के भी। स्टेम की अगर बात करोगे तो राइजोम से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कॉर्म से भी होता है, ठीक है, रनर से भी होता है, ऑफसेट से भी होता है, सभी चीज से तो होता है यार स्टेम में। तो फिर अपना वो स्टोलॉन से भी होता है,
ठीक है, और क्या बचा, रनर, ऑफसेट, स्टोल ऑन, ट्रेलर तो खैर लिमिटेड रहता है इसलिए ट्रेलर को नहीं कंसिडर करता हूँ मैं, छोड़ो उसको माफ कर देता हूँ। बाकी राइजोम है, कॉर्म है, ट्यूबर, पटेटो ट्यूबर से भी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बल्ब अनियन वाला उससे भी होता है। ऑलमोस्ट जो भी अपन ने मॉडिफिकेशंस देखे हैं सब एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड मैक्सिमम केसेस में तो होता ही है उससे, ठीक है, तो उसमें तो कुछ अपन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी रही बात लीव्स की, तो लीव्स में ब्रायोफाइलम और कैलेनको, KALANCHOE, कैलेनको, ब्रायोफाइलम और कैलेनको एंड कैलेनको, उसमें लीफ के थ्रू डायरेक्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये सब अपने को पता है। तो फटाफट फटाफट तुम लोग मॉर्फोलॉजी से रिवाइज कर सकते हो, आई विल नॉट, इसके टेस्ट में मैं ये सब क्वेश्चन डालने का मेरे को पूरा हक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले सकर का एग्जाम्पल, रनर का एग्जाम्पल, कुछ भी पूछूंगा मैं, जो मेरे को मन में आया वो पूछूंगा मैं, चिल्लाने का नहीं मेरे नाम से कि सर ये कहाँ से आया, ये मॉर्फोलॉजी, नहीं नहीं मॉर्फोलॉजी वगैरह नहीं है वो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा मैं, वो ही रहेगा मॉर्फोलॉजी रहेगा, पर मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के चैप्टर में घुसाड़ूंगा उसको, क्योंकि वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का हिस्सा, ठीक है। चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नहीं है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंसिडर होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कंसिडर होगा, मॉर्फोलॉजी की रिविजन करनी पड़ेगी रूट स्टेम की, ठीक है। लीफ में तो बस एक को ब्रायोफाइलम ही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी फिर इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर फ्रूट में वगैरह टेंशन नहीं है अपने को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, पर रूट स्टेम रिवाइज अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें बस मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ, एक रहता है बुलबिल, बुलबिल इज नथिंग बट अ फ्लेशी बर्ड, ठीक है, जो जमीन पे गिरता है और उससे नया पेड़ उगता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है, इसको मैं अगेव बोलता हूँ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें अगेव खाने वाले कैसे पागल रहते हैं और अगेव कैसे कोई कोई कैसे खा सकता है, कितना गंदा लगता है, ये सब इसके ऊपर वो कॉमेडी कर रहा था, तो वो अगेव को अगावे बोल रहा था, तो शायद इसका प्रोनाउंसिएशन अगावे है, ठीक है, आई डोंट नो। तो बुलबिल मिलता है अगावे में, ठीक है। और एक रहते ट्यूरियंस, ट्यूरियंस आर नथिंग बट बुलबिल्स, बस ये भी बुलबिल्स ही है, फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये पाए जाते हैं अक्वेटिक प्लांट्स में, अक्वेटिक प्लांट्स के बुलबिल्स को टूरियंस बोलते हैं, बस और कुछ नहीं, सिंपल, वही रनर और ऑफसेट की तरह, जमीन पे जो भागते हैं वो रनर, पानी में जो भागते हैं वो ऑफसेट, वैसा ही है बुलबिल टूरियंस, कुछ नहीं है इसमें, आसान है एकदम, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर मैं और ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा, अपन ने मॉर्फोलॉजी के लिए रूट स्टेम के लिए काफी टाइम दिया है, 3-4 दिन दिया है 11th स्टैंडर्ड में, तो अभी अपन उसी को रिवाइज करेंगे, अपन मतलब तुम लोग, मेरे को तो याद है सब। अपन बढ़ेंगे अभी आर्टिफिशियल मीन्स की तरफ, आर्टिफिशियल अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मींस में सबसे पहला आता है रूट कटिंग्स, रूट कटिंग्स यानी क्या है, उस पर्टिकुलर प्लांट के रूट्स काटना और उसको दूसरी जगह जाके जमीन में गाड़ देना, उससे नया प्लांट उग जाएगा, उसको बोलते हैं रूट कटिंग्स। मैंने पहले स्टेम कटिंग्स बताना चाहिए था, वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा लोगों को पता रहता है, ठीक है, ये अपन ने रूट कटिंग्स देख लिया पहले। ये पाया जाता है ब्लैकबेरी में, ब्लैकबेरी इधर मिलता नहीं है इंडिया में तो अपने को पता नहीं, और रैसबेरी में, रैसबेरी भी पता नहीं मेरे को इंडिया में मिलता है क्या, आई गेस आई थिंक नॉट, ठीक है। तो रूट कटिंग्स का ज़्यादा टेंशन नहीं है। दूसरा है स्टेम कटिंग, मैंने कुछ दिन पहले एक्चुअल में स्टेम कटिंग किया है मेरे घर पे, पर कुछ रीजन से मेरे को उस पेड़ को रिमूव करना पड़ेगा, उस पौधे को रिमूव करना पड़ेगा पड़ा एक जगह से दूसरे जगह पर, और दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के बाद वो ट्रांसप्लांट शॉक झेल नहीं पाया, पेड़ ट्रांसप्लांट शॉक के थ्रू गुजरते, अगर उनकी जगह चेंज की तो काफ़ी सारे पेड़ गुजरते हैं, तो मर गया बेचारा। मैंने उसका फोटो वोटो भी निकाल के रखा था पहले, मेरे कैसे स्टेम काट के लिए कराया था, उस स्टेम का मैंने फोटो निकाला था तुम लोगों को दिखाने के लिए, फिर मैंने उस स्टेम को जमीन में गाड़ा,
फिर उसका भी फोटो खींचा, जमीन में गाढ़ा हुआ, फिर वो डेवलप हुआ, उसका साइज ग्रो हुआ, वो मतलब प्रॉपर उसने रूट वूट डेवलप कर लिए होंगे, उसका भी फोटो निकाला कि सी नाउ 15 डेज लेटर वाला। मेरा प्लान था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के वक्त तुमको पढ़ाऊंगा बताऊंगा। वो फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया, कुछ रीजन से करना पड़ा तो इट डाइड, अदरवाइज आई अभी काफ़ी बड़ा हो गया रहता। बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्टेम मैंने स्टेम भी नहीं है, ब्रांच, स्टेम में ब्रांच भी आते हैं, मैं तो ब्रांच ही लेकर आया था, ठीक है। तो ब्रांच लाने का, जमीन में गाड़ देने का, कई सारे पेड़ों का वहाँ पर दूसरा पेड़ उग जाता है उस ब्रांच से, स्टेम से, उसको स्टेम को रूट वूट उग जाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, इनिशिएशन ऑफ रूट करता है ना ऑक्सीजन, तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है, इनिशिएशन ऑफ रूट होता है और बढ़िया भाई की रूट वूट आ जाते हैं और वो पूरा प्लांट बन जाता है, बढ़िया ग्रो होता है, ठीक है। तो इसमें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन में क्या है, तो शुगर केन में है राइजोम, ठीक है। दूसरा है रोज, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, रोज तुमने तुम्हारे घर में लगाया होगा, तुमको याद होगा कि तुमने सीड, अगर तुमने अभी अभी लगाया होगा तुम्हारे घर में तो तुमने देखा होगा कि कोई सीड वीड ला के रोज की लगाता नहीं। वैसे यार रोज का प्रॉब्लम है कि जनरली नर्सरी से पौधा ही खरीद के लाते हैं लोग, लेकिन अगर तुमने तुम्हारे नेबर से रोज़ मांगा कि यार तुम्हारे पास है क्या रोज़, हमको भी देना, तो मैं भी मेरे घर में लगा देता हूँ गमले में, तो तुमको एक ब्रांच छोटा सा टुकड़ा दे देगा, वो लगा देने का गमले में रोज़ उग जाता है, कई लोगों ने देखा भी होगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसके अलावा बुगनविला, बुगनविला भी काफ़ी लोगों के घर में रहता है, याद है ना वो कागज़ के समान दिखने वाले फूल रहते हैं उसके, है ना, रेजॉक्सी के पीछे है भी, मैंने बोला भी था, खिड़की से दिखता है, कंपाउंड्स वगैरह लगा रहता है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, पता है मॉर्फोलॉजी में बताया था, वो भी स्टेम कटिंग से लगता है, ठीक है। उसके अलावा साइट्रस भी स्टेम कटिंग से लगता है, मौसम्बी, संतरा, नींबू, ये भी लगते हैं, ठीक है। कमर्शियल की अगर बात करोगे तो टी, कॉफ़ी एंड ग्रेप्स, ये भी स्टेम कटिंग से लगते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेम कटिंग। उसके बाद आता है लेयरिंग, उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, ऐसा पेड़ है, ये पेड़ की एक नीचे की ब्रांच पकड़ेंगे नियर द ग्राउंड, एक आधी ब्रांच को पकड़ेंगे, इस ब्रांच को ऐसा झुकाएंगे, इधर ब्लेड से उसको जख्म करेंगे, वूंड करेंगे, और उसको मिट्टी, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। अब जख्म होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होता है, और उसके ऊपर मिट्टी होने के कारण उसको वो कंडीशन वो वाली मिलती है, मिट्टी वाली। तो मिट्टी वाली कंडीशन मिलने के कारण क्या होता है, उसको सिग्नलिंग ऐसा होता है कि एज इफ अपने को नया प्लांट ग्रो करना है, और कुछ टाइम के बाद इधर से ऐसा दूसरा प्लांट, उसको रूट वगैरह उग के प्रॉपर दूसरा प्लांट ऐसा ग्रो होने लगता है। फिर अपन इस, ये जो कनेक्शन है इसको कट कर देंगे, इस पौधे को लेकर थोड़ा दूर जाकर लगा देंगे, सिंपल चीज़ है ना। अगर लिखना है तुमको, अपनी भाषा में लिखना नहीं जम रहा है तो मैं डिक्टेट करता हूँ, लिख लो। इन लेयरिंग अ ब्रांच नियर द बेस ऑफ द प्लांट, इज वुंडेड, WOUNDED, इज वुंडेड, बेंट, BENT, झुकाते हैं उसको, BENT, एंड कवर्ड बाय सॉइल। बस बाकी अपने को कुछ नहीं करना है, हार्मोन सही तरीके से रिलीज होंगे, सही वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे वहां पर, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, और बाकी नया प्लांट वहां पर ग्रो हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर इसके लिए क्या है ना प्रॉब्लम, कि छोटे मोटे पौधों के लिए या बड़ा ट्री वाला भी अगर स्पीशीज है लेकिन अभी वो यंग है, उसकी
ग्रोथ नहीं हुई है ज्यादा, तो अपन ऐसे अंडर नियर द बेस नियर द ग्राउंड वाले ब्रांच को झुका सकते हैं। बहुत बड़ा मैंगो का ट्री है तो उसका क्या करोगे यार, है ना। इसके एग्जांपल पहले तुमको बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अपन टैकल करते हैं। जैस्मिन स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन स्ट्रॉबेरी गूसबेरी, गूसबेरी मतलब आंवला, आंवले का बहुत बड़ा ट्री होता है, मेरे घर पे ही है। लेकिन ये जब छोटा रहता है तब तुम लेयरिंग कर सकते हो, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी ब्रांच को झुका थोड़ी सकते हो जमीन तक, नॉट पॉसिबल। बचपन में कर सकते हो लेयरिंग, लेकिन अब बड़ा हो गया अब क्या करोगे, है ना। तो उसके लिए अपने पास रहता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है, पेड़ पे चढ़ता है इंसान, ब्रांच को वुंड करता है हवा में ही, और उस वुंड के अराउंड क्ले गोबर इन सब चीजों का एक मिक्सचर लेकर उस वुंड के अराउंड लगाकर उसको कपड़े से बांध देता है। तो वुंड हो गई है वहां पर, वो वुंड तो हील होने ही वाली है, लेकिन उस वुंड को मैसेज कौन सा मिलता है, सॉइल वाला मिलता है। आजू बाजू उसके रहती है क्ले गोबर, मतलब जो नॉर्मली रूट्स को मिलती है चीजें, वो सब उस वुंड के सराउंडिंग में अपन ने हवा में उसको प्रोवाइड कर दिया, उसको कपड़े से बांध के उसके वुंड के अराउंड ये सब चीजें लगाकर उसको बांध दिया अच्छे से। अब अगेन इस प्रकार से हार्मोन्स रिलीज होंगे कि वहां पर हवा में उस ब्रांच के ऊपर रूट्स ग्रो होने लग जाएंगे, शूट सिस्टम आने लगेगा थोड़े दिनों के बाद। फिर से चढ़ने का पेड़ के ऊपर, उस ब्रांच को पूरा काट ही लेने का, अलग से नीचे उतार के उसको थोड़ा दूर जाके जमीन में गाड़ देने का, सिंपल। जो अपन लेयरिंग में करते हैं वही एयर लेयरिंग में कर रहे हैं, वुंड करके उसको मिट्टी के सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में मिट्टी रख दी तो बराबर दूसरा प्लांट ग्रो होगा, लेकिन एयर में अपन ने उसको मिट्टी दे दी, कैसे, उस वुंड के अराउंड कपड़े कपड़े से पूरा अच्छे से बांध के उसके कपड़े के अंदर पूरा मिट्टी और गोबर क्ले सब भर देने का, हो गया सिंपल। मतलब बोलने को सिंपल, करने को इतना सिंपल नहीं रहता, ऑफ कोर्स इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स, लेकिन थियोरेटिकली तो ये सिंपल है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है, तो एग्जांपल्स है लीची, पोमेग्रेनेट, ठीक है, समझ रहा है। और उसके बाद लास्ट सबसे कॉमन चीज पांचवी में पढ़ा है अपन ने, ग्राफ्टिंग। दो पेड़ है, ठीक है, एक के फ्रूट्स मीठे हैं, दूसरे का रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, रूट्स मस्त एकदम स्ट्रांग है, इसके फ्रूट्स बढ़िया है, लेकिन इसके रूट्स उतने अच्छे नहीं है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, गिरने का डर है इसका बहुत। तो अपन क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा एकदम मस्त रूट सिस्टम, और ऊपर ये वाला पौधा, ये वाला पेड़ विथ स्वीट फ्रूट्स। तो ये जो नीचे, इसको अपन टेप से वगैरह बढ़िया अच्छे से, सेलो टेप से, कपड़े वपड़े से, रस्सी से अच्छे से बांध देते हैं। पता है एनाटॉमी में ही आ चुका है ये, एनाटॉमी में क्वेश्चन नहीं था क्या, व्हाई कांट ग्राफ्टिंग बी डन इन मोनोकॉट्स। उसका आंसर रहना चाहिए स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, लेकिन याद रखना उसका आंसर रहता है लैक ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये वही वाला ग्राफ्टिंग है, जो नीचे वाला पेड़ रहता है उसको बोलते हैं स्टॉक, जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं स्कायन, स्टॉक एंड स्कायन, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग अपन किस किस में करते हैं, ग्राफ्टिंग के एग्जांपल क्या है, तो ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है मैंगो, ठीक है, गुआवा, साइट्रस, पियर, पीच, पियर है मतलब एप्पल तो रहेगा ही, पियर है नाशपति, पायरस मेलियस, एप्पल है,
और ये कौन सा पायरस है, याद नहीं आ रहा है मेरे को। ये भी पायरस है, जीनस सेम है एप्पल और नाशपाती का। दिस इज नथिंग बट ग्राफ्टिंग, क्या सिंपल है ना। देख लो एक बार अच्छे से मेरे गंदे से हैंड राइटिंग, पर तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे, तुम लोग अच्छे से लिखोगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो तुम रिवाइज करोगे, वो मैं नहीं बताऊंगा फिर से। बस इसमें बुलबिल और ट्यूरियंस याद रखना, मतलब वो भी बुलबिल तो मॉर्फोलॉजी में आया था शायद, ट्यूरियंस नहीं बताया था मैंने। बाकी आर्टिफिशियल मीन्स में रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लेयरिंग, एयर लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। बाकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड्स और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल मीन्स। तो इस कंसेप्ट में अगर अपने को कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी ऑब्जेक्शन किसी को होगा इस टॉपिक में, तो मेरे को पूछ लेंगे। थोड़ा सा रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में मेरा हर साल का एक्सपीरियंस है, बच्चे थोड़ा सा कभी कभी डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि नहीं समझ रहा है, डर लग रहा है, ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो क्या करना है आपको पता ही है, जस्ट अ मैसेज अवे, ठीक है। बाकी अब पढ़ाई चालू कर दो इस चैप्टर की, जल्दी अपन इसकी टेस्ट लेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।